हमारे बीच में इसको भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं और हमारे सभी प्रत्याशी भी ये आज जो है आज यहाँ पे काफ़ी विशाल जनसमूह उमड़ा। सातों जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के उन्होंने नामांकन भरा। उसके बाद सीएम साहब ने काफ़ी जोशीला भाषण दिया। तो इसके बाद क्या लगता है कि आपका ये जो चारों विधानसभा खासतौर पर राजधानी रायपुर के जो चारों विधानसभा हैं उसमें कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहेगा और जो प्रत्याशी हैं वो किस हद तक आप उनको मानते हैं कि वो भारी पड़ेंगे विपक्ष पर? देखिए, मैं आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए, मैं एक एक करके आपको जवाब देता जाऊंगा। सर्वप्रथम जो सीएम साहब का हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी का जोशीला भाषण है, उनके जोश और उनके ताकत, उनका जो आह्वान है, उसी से आज 15 साल की सरकार को तोड़कर हम लोगों ने पिछले बार चुनाव में 2018 में सरकार बनाई और 2023 में भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनना तय है और अब की बार 75 पार का नारा जो है वो सार्थक होगा। जहाँ तक जनसैलाब की बात है, कांग्रेस के कार्यक्रम, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ वो यहाँ पर जनसैलाब लेकर आता है। तीसरी बात, सरकार की योजनाएं, सरकार के 5 साल का कार्यकाल ऐसा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जनता के एक एक वर्ग को लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। मैंने एक भाषण में कहा, मुझे याद है कि जब भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम दिया तो छत्तीसगढ़ के हर एक समाज को इतना दिया जितना उन लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग, हर समाज, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, सबको कुछ ना कुछ मिला है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, हमारी मितानिन बहनें हो या हमारी जो आंगनबाड़ी की सहायिका हो, सबको भूपेश बघेल जी ने कुछ ना कुछ दिया है। अगर उन्होंने दिया है और एक बार 5 साल में मांगने निकले हैं कि एक बार बटन दबाओ और पंजा छाप का बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाओ और सरकार बनाओ, तो स्वाभाविक तौर से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी की सरकार के साथ है, भूपेश बघेल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शैलजा जी, दीपक बैज जी, सबके साथ है। एक आखिरी बात के बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति 2000 के बाद विलोपित हो गई थी, जिस संस्कृति को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पुनर्जीवित किया। आज छत्तीसगढ़ी बोलने में आदमी शर्माता नहीं है, अधिकार से छत्तीसगढ़ी बोलता है, अधिकार से छत्तीसगढ़ी व्यंजन को टेबल पर रखकर बड़ी बड़ी जगहों में परोसा जा रहा है। और तीसरी बात, पोला, हरेली जो हमारे छत्तीसगढ़ के त्यौहार थे उनको मान्यता मिली है, ये हमारे सरकार की उपलब्धि है। तो आप जो चार विधानसभा है, चार विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आपका क्या, आपके क्या एक आकलन कहता है? देखिए, हमारे पार्टी ने बहुत सोच समझकर बहुत अच्छी टिकट दी है और हमारे रायपुर शहर के चारों प्रत्याशी जीत कर नहीं, बहुत अच्छे अंतर से और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। खासतौर पे दक्षिण का, जैसे अभी दक्षिण रायपुर दक्षिण का क्षेत्र है, वो जो है अभी तक कांग्रेस आज तक जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार एक महंत को उतारने पे इसको कहा जा रहा है कि राजनीति जो है हिंदुत्व को हिंदुत्व के सामने खड़ा किया। वो केवल महंत नहीं है जी, वो राम भी हैं, सुंदर भी हैं जी, और दास भी हैं जी।
राम भगवान राम की सभी चीज़ उनके अंदर समाहित है, और भगवान राम अगर आपसे चर्चा करना चाहूँ तो किस दिशा की यात्रा किए थे, उत्तर से दक्षिण की ओर गए थे जी। और किसका नरसंहार किया था उन्होंने, किसका संहार किया था उन्होंने, तो भगवान राम के रूप में राम सुंदर दास जी निकले हैं दक्षिण की ओर, और दक्षिण दशहरे में अभी क्या हुआ है मैं कहना नहीं चाहूँगा, और दक्षिण में दशहरे में जो पर्व मनाया हम लोगों ने, 3 तारीख को हमारी दूसरी विजयदशमी होगी जिसको हम दक्षिण में मनाएंगे और पूरे प्रदेश में विजय का लक्ष्य प्राप्त करेंगे।